हम हैं एनजीपी रेलवे स्टेशन पर और हम यहां से ट्रेन से पहुंचेंगे बांग्लादेश। और एनजीपी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम कराएंगे करेंसी कन्वर्ट, यानी भारत की करेंसी को बांग्लादेश की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये करेंसी कन्वर्ट जो होता है वो है बिल्कुल रिजर्वेशन काउंटर के बगल में, जहां मिताली एक्सप्रेस जो ट्रेन है जो एनजीपी से ढाका जाती है उसके बिल्कुल बगल में है ये करेंसी कन्वर्ट। तो हम पहुंच गए हैं सबसे पहले भारतीय करेंसी को बीडी करेंसी में कन्वर्ट करके, यानी भारत के रुपए को टाका में बदलवाने। तो हमने भारतीय करेंसी 30,000 रुपए दिए और हमें मिला 38,300। तो हमने करेंसी कन्वर्ट करा लिया है और अब आगे के सफर पर चलते हैं। मिताली एक्सप्रेस जो 11:45 पर खुलेगी और रात के 11 ढाका पहुंचेगी, ढाका कंटेनमेंट। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मिताली एक्सप्रेस में। ये मिताली एक्सप्रेस है और यहां से एनजीपी से हमारी सफर ढाका के लिए शुरू हो गई। प्रकाश जी का मुर्ग पुलाव तैयार है, अब हम लोग खाएंगे। पानी की बोतल, मुर्ग पुलाव ना, इसको मुर्ग पुलाव बुलाते हैं। हाँ, ट्रेन में मिलेगा। हाँ, तो फाइनली हम लोग एनजीपी रेलवे स्टेशन पर अपने कागज पत्र का वो सारा काम, बैग का चेकिंग, कस्टम डिपार्टमेंट से पास ऑन होने के बाद मिताली एक्सप्रेस पर चढ़ चुके हैं, बैठ चुके हैं या पहुंच चुके हैं, जो समझना है आप समझ सकते हैं। ये मिताली एक्सप्रेस की बॉगी है और यहां पर इस मिताली एक्सप्रेस में आप बैठ कर भी जा सकते हैं, सो कर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेन एनजीपी से सुबह 11:45 पर खुलती है। तो औसतन लोग चेयर कार में ही अपनी बुकिंग कराते हैं। वैसे सोने की भी व्यवस्था है, फर्स्ट क्लास एक कई कोच है, 3-4 कोच फर्स्ट क्लास के हैं, 3-4 कोच चेयर कार के हैं। तो इन तमाम जो कोचेज हैं आप उसमें अपनी सुविधा के अनुसार सो के भी जा सकते हैं और बैठ कर भी जा सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, हम अभी जो मिताली एक्सप्रेस है उसके फर्स्ट क्लास बॉगी में है और ये फर्स्ट क्लास का केबिन है और आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर आपको इच्छा है कि सो के जाना है, क्योंकि ये जो जर्नी है सुबह 11:45 पर एनजीपी से खुलती है ट्रेन और रात की 11 पहुंचती है, तो औसतन लोग चेयर कार में ही अपना रिजर्वेशन कराते हैं और हम लोग भी चेयर कार में ही हैं और काफी भीड़ भी है चेयर कार में। एक चेयर कार में जो पहला C1 है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, बाकी उसके अलावे 3 और चेयर कार हैं, C2, C3 और C4 वो लगभग खाली ही हैं। तो आप एनजीपी से मिताली एक्सप्रेस के जरिए ढाका पहुंच सकते हैं बेहद कम किराए में और ये ट्रेन आपको एक अलग अनुभव देगा। लेकिन हाँ, एक बात और है जो हम आपको बता देना चाहते हैं और साझा कर देना चाहते हैं। इस ट्रेन में अगर आप एनजीपी से चढ़ेंगे, हमने तो सोचा था कि इस पर चढ़ेंगे, जैसे औसतन हम भारत की ट्रेन में चढ़ते हैं और भारत की ट्रेन में चढ़ने के बाद हर स्टेशन पर हम उतरते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। यहां आप एनजीपी से चढ़ेंगे तो आपको सीधे बांग्लादेश ही उतरना है, बीच के किसी भी स्टेशन में आप नहीं उतर सकते, एक नंबर बात। दूसरी बात, आपको इस ट्रेन से नीचे उतरने की कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि आप जब बांग्लादेश में, आप जब एनजीपी से चढ़ेंगे तो आपको बांग्लादेश के ढाका उतरने के बाद
उनके कस्टम चेकिंग वोकिंग के बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। यानी अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सोच रहे होंगे कि अलग अलग स्टेशनों पर हम जाएंगे और हर स्टेशनों पर रुकते हुए स्टेशन का नजारा लेते हुए आगे ढाका तक जाएंगे, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस ट्रेन में एक बार एनजीपी में चढ़ेंगे तो सीधे आपको ढाका ही उतरना है, बीच के स्टेशन में आपको उतरने की अनुमति नहीं है। तो हम मिताली एक्सप्रेस में है जो एनजीपी से ढाका तक जाती है। हालांकि ढाका में कई स्टेशन है, जैसे हमारे कोलकाता में कोलकाता रेलवे स्टेशन है, सियालदह है, हावड़ा है, दिल्ली में भी कई स्टेशन है, निजामुद्दीन है, न्यू दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली है, तो उसी तरीके से ढाका में भी 3-4 स्टेशन है। हालांकि हमें टिकट ढाका का दिया गया है, लेकिन अभी हमको हमारे सहयोगी यात्री ने बताया, जो बिहार से ही है, उन्होंने बताया कि ये ढाका नहीं, वो किसी दूसरे स्टेशन पर जाएगी। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के कैपिटल ढाका तक पहुंचने के लिए आप एनजीपी से मिताली एक्सप्रेस ले सकते हैं और मिताली एक्सप्रेस से आप सीधे ढाका पहुंच सकते हैं। ये है मिताली एक्सप्रेस का चेयर कार। यहाँ पर आप देखिए वो पूरा चेयर कार खाली है। वैसे आगे सिर्फ C1 में ही भीड़ है जहां हम लोगों का टिकट है, बाद बाकी पूरी ट्रेन खाली है। और कुल चेयर कार में 4 बॉगीज हैं, C1, C2, C3, C4, ये तमाम खाली है। और मैंने आपको दिखाया अभी अभी तुरंत कि आप अगर सो के जाना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास बॉगी की भी सुविधा मिताली एक्सप्रेस में है, और अगर आप बैठ के जाना चाहते हैं तो चेयर कार में। औसतन लोग चेयर कार में इसलिए रिजर्वेशन कराते हैं कि डेट की जर्नी है, 11:45 पर आप एनजीपी से ट्रेन पकड़ते हैं और रात के तकरीबन 11 के आसपास आप ढाका पहुंच जाते हैं। इसलिए औसतन लोग चेयर कार में ही अपना रिजर्वेशन कराते हैं, चेयर कार में ही अपनी टिकट बुक कराते हैं, और हमने भी चेयर कार में ही टिकट बुक कराया है। तो ये एक बार फिर आपको दिखाएं, ये मिताली एक्सप्रेस का चेयर कार है और इसी तरह है बिल्कुल जो हमारे इंडियन रेलवे में इंटरसिटी चलती है और जो पटना से कटिहार आती है इंटरसिटी वैसी है, और कई इलाके में जो इंटरसिटी चलती है बिल्कुल वैसी ही है। इंटरसिटी की तरह ही सीट है, इंटरसिटी की तरह ही बॉगी है, तमाम चीजें बिल्कुल इंटरसिटी की तरह है जो कटिहार पटना और पटना कटिहार चलती है उसी तरह है। तो इसको ये चेयर कार है, तो कुल 4 चेयर कार हैं और लगभग 3-4 फर्स्ट क्लास कोच हैं जिसमें आप सोकर जा सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना टिकट बुक करा सकते हैं, तो दोनों ही बिल्कुल किफायती होगा, बिल्कुल सस्ता होगा। तो फाइनली हम पहुंच गए बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कैसा रहा ट्रेन का ये सफर, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ढाका के वीडियो ब्लॉग में अभी बहुत कुछ बाकी है, देखिए हमारे दूसरे एपिसोड में।